एक और खूबसूरत सुबह, चिंटू अपने स्कूल के लिए लेट हो गया है। मैं स्कूल के लिए लेट हो गया? तितली? इधर आओ मेरे प्यारे दोस्त। वाह, मुझे याद है ये जगह बिल्कुल खाली मैदान हुआ करती थी। और अब देखो खरबूजे की झाड़ से भरी है। हेलो मिस्टर बंता। गुड मॉर्निंग चिंटू। क्या ये सब आपने उगाया है? वाह, आपकी मेहनत सचमुच रंग लाई है। हाँ सही कहा, क्या तुम्हें स्वादिष्ट नहीं लगते ये? वाह, ये तो बहुत बड़ा है और बहुत टेस्टी लग रहा है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम खा सकते हो, लेकिन तुम्हें क्लास के लिए देर हो जाएगी। अरे मैं तो भूल गया, मुझे जाना है, मैं फिर आ गया यहाँ पर लौट के। ठीक है चलो अब जल्दी से जाओ। बाय मिस्टर बंता, फिर मिलेंगे। तुम्हें कैसा लगा? गुड मॉर्निंग सुंदर, तुम लोग सुबह सुबह किसकी बात कर रहे हो? गुड मॉर्निंग चिंटू, हम ये माला के बारे में बात कर रहे थे। देखो कितना प्यारा है। दिलचस्प है। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, मिस्टर बंता ने बहुत सारे खरबूजे उगाए हैं। खरबूजा बहुत स्वादिष्ट। और क्या? बस इतना ही। ये दिलचस्प नहीं है, मेरे नेकलेस को तो देखो, ये मेरे दादाजी की है, ये कुछ खास पंखों से बनी है। ये बहुत खास दिख रहा है लल्लू। मगर वो खरबूजे वो भी बहुत दिलचस्प है। ये नेकलेस बहुत सुंदर है। लेकिन दोस्तों मेरी बात सुनो, वो खरबूजे वाकई में बहुत दिलचस्प है। हाँ अच्छा है ना? हाँ, उसके बारे में क्या अच्छा है, वो बिल्कुल दिलचस्प नहीं। क्योंकि क्या? क्योंकि वो खरबूजे बहुत बड़े हैं। हाँ? वो कितने बड़े हैं? पेंगुइन, असली में कितने बड़े होते हैं वो खरबूजे? वो बड़े के बिल्कुल सर के जितना बड़ा है और एक नहीं बहुत सारे हैं। मैं सच में उन स्वादिष्ट खरबूजों को खाना चाहता हूँ। ये तो कमाल का है, इससे पहले इतने बड़े तरबूज मैंने कभी नहीं देखे। चिंटू सच में वो खरबूजे बड़े हैं? मैंने तो कभी भी इतने बड़े खरबूजे नहीं देखे, क्या तुमने देखे हैं? मैंने भी नहीं देखा। तो है ना दिलचस्प? मैं उन्हें खाने के लिए रोक नहीं सकता। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। एक बड़ी सी तितली थी जिसने मुझे उठा लिया था और मैं आसमान से नीचे जमीन पर देख रहा था, तभी मैंने मिस्टर बंता को देखा और बड़े बड़े खरबूजे देखे। बाय। वो तितली तो बहुत कमाल की है। मुझे खरबूजे देखने हैं। पिंकी क्या तुम क्लास के बाद खरबूजे दिखाने ले जाओगे? मिस्टर बंता, मिस्टर बंता, मिस्टर बंता, मिस्टर बंता। बच्चों तुम सब कैसे हो? देखो मैं तुम सबके लिए खरबूजे लाया हूँ, खाओ इसे मजे करो। बड़े खरबूजे, मुझे भी खाना है। चिंटू आज सुबह बगीचे में देखो मुझे एक और तितली मिली है, क्या तुम इसकी देखभाल करोगे? हाँ क्यों नहीं मिस्टर बंता, मैं इसकी बहुत अच्छी देखभाल करूँगा। क्या तुम इन खरबूजों की बात कर रहे थे? वो मैंने थोड़ा झूठ बोला। तो ये वो तितली है जिसके बारे में तुम बता रहे थे, लेकिन ये इतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुमने बोला था। वैसे मैं वो मुझे वॉशरूम जाना है, बाद में मिलते हैं। हाँ तो उसने सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोला था। तितली चलो खरबूजे के बाग में चलते हैं, डरो मत। अरे सूरज तो ढल रहा है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, चलो चलते हैं। वाह बहुत सुंदर। तुम उड़ रही हो, तुम उड़ रही हो, सब कुछ बहुत सुंदर है, स्वादिष्ट है। देखो तो जरा। सुनो बच्चों,
आज हम ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हें वो बनाना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता है। सबसे याद सुंदर? रखना, कोई दृश्य जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके उसे अपने रंगों से भर दो। जरा मैं सोचूं। सब बहुत सुंदर है। मुझे याद आ गया। बड़े, तुम क्या बना रहे हो? ये शहद है, मेरा पसंदीदा खाना। ये तस्वीर बनाकर बड़े बहुत खुश है। ये बस एक मजाक है, हंसो मत। तुम्हारा अब तक हुआ नहीं? जरा देखो तो। वाओ, ये बहुत सुंदर है। तुम्हारी ड्राइंग कमाल की है। शुक्रिया। राजकुमार लल्लू, यहाँ आइए। चिंटू ने एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है। शुक्रिया दोस्तों। ये मैंने कल खरबूजे के बागीचे में देखा जब सूर्यास्त हो रहा था। खरबूजे का खेत। मुझे सफेद तरबूज बहुत पसंद है, वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। खरबूजे सफेद होते हैं, लाल नहीं। ये सच है, वो खरबूजे लाल दिखाई दे रहे थे। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, वो नजारा बहुत खूबसूरत था। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। चिंटू, क्या तुम फिर से बोल बचन तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, ये सच है। ये क्लास खत्म हुई। चलो छुपे छुपे। तुम लोग मान क्यों नहीं रहे? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। सूर्यास्त के समय खरबूजे लाल दिख रहे थे। चिंटू, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस तस्वीर में रंग भरने के लिए? ये मैंने बनाई है और इसमें आगे रंग भरना बाकी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे पता है। ये लो। चिंटू, तुमने बहुत सुंदर रंग भरे हैं। तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैं तुम्हारी ड्राइंग के बारे में सोच रही थी। तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी है। तुमने लाल तरबूज में बहुत अच्छे बनाए थे कल्पना। नहीं, 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 ये मेरी सोच नहीं है, ये सच में है। तुम बहुत अच्छा मजाक करते हो। तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा। बबली, क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूँ थोड़ी देर? सूरज बादलों के पीछे है। चिंटू, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें क्या परेशानी है छोटे दोस्त? कोई भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा है कि तरबूज लाल थे, इसलिए मैं तस्वीर खींच के उन्हें बताऊंगा कि तरबूज लाल थे। मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये बिल्कुल अलग तरह की बात है। लोगों को लगता है कि तुम बढ़ा चढ़ा के बात करते हो और इसीलिए वो तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करते हैं। क्यों, ठीक है ना? मिस्टर बंदा, हम आ गए आपकी मदद करने। तुम सब बहुत प्यारे बच्चे हो। दोस्तों, मुझे 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 तुमसे माफी मांगनी है। मैंने पहले तुम्हें बड़ा चढ़ाकर कहानी बताई थी ताकि तुम्हें मेरी कहानी दिलचस्प लगे और तुम यकीन कर लो। मुझे माफ कर दो। मुझे पहले से ही शक था। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं पिंकी, अब हम तुमसे नाराज नहीं हैं। हम तुम पर विश्वास करेंगे अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे। सच में, ये तो बहुत बढ़िया है। चलो अब एक पिक्चर लेते हैं। तुम सब सामने खड़े हो जाओ। सारे कहेंगे चीज। हेलो दोस्तों, बाय।
बात करते समय कभी भी झूठ मत बोलो, नहीं तो जब आप सच बोलोगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। फिर मिलते हैं।